फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग लावा E3 कीपैड फ़ोन में बटन की वॉल्यूम कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर सुना दूं कि बटन की वॉल्यूम इस तरह से आपको जो है सुनाई देती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0000 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बटन की वॉल्यूम जो है वो सुनाई दे रही होगी। तो इस बटन की वॉल्यूम को आप बंद कैसे करेंगे, आज की स्टूडियो में मैं इसी बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन भी दबा दें। दोस्तों, बटन की आवाज़ को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्रोफाइल्स पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहीं से आपको जो है ध्यान देकर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक ऑप्शंस का जो है वो बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टोमाइज का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस कस्टोमाइज पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहीं से आप रिंगटोन भी बदल सकते हैं और यहीं से आप रिंगटोन की जो है वो वॉल्यूम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बटन की आवाज़ बंद करनी है तो उसके लिए यहाँ पर सीधे आपको नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कीपैड जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कीपैड जो देखने को मिलता है, यहाँ पर टोन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से तीन ऑप्शन शो होंगे, साइलेंट, क्लिक, उसके बाद यहाँ पर टोन। तो यहाँ पर आपको साइलेंट पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप साइलेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर चेंज के नीचे सेव ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर कोई भी जो है वो बटन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अब कोई भी बटन की वॉल्यूम जो है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से आप अपने लावा E3 कीपैड फ़ोन में बटन की वॉल्यूम को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो लावा या किसी भी कीपैड मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।